बीच धमतरी से एक बड़ी खबर है। शहर में फिर से चाकूबाजी हुई है। होटल व्यवसायी पिता पुत्र पर हमला किया गया। ज्ञात आरोपियों ने जानलेवा हमला किया है। दोनों घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अर्जुनी थाना क्षेत्र की यह घटना है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर ये इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धमतरी से शहर में फिर से चाकूबाजी हुई है। होटल व्यवसाय पिता पुत्र पर हमला कर दिया गया। अज्ञात आरोपी ने जानलेवा हमला किया है। दोनों घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अर्जुनी थाना क्षेत्र की यह वारदात है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो एक बार फिर चाकूबाजी की घटना धमतरी से निकलकर सामने। लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद है। पिता पुत्र पर हमला कर दिया गया। शहर में फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। होटल व्यवसाय पिता पुत्र पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो यह बड़ी खबर है इस वक्त की। देवेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। देवेंद्र, कब की यह पूरी घटना है, क्या अपडेट इस पर, क्या आरोपी पकड़े गए? जी बता दूं, अभी तो आरोपी पकड़ाया नहीं है, मौके से फरार हो गए। लेकिन ये चाकूबाजी की घटना धमतरी जिले में लगातार हो रही है। बता दूं, ये मामला कोलियारी का है, जो अर्जुनी थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। वहां होटल व्यवसायी पिता और पुत्र के ऊपर अज्ञात आरोपियों ने चाकू से हमला करके उन्हें घायल किया है। घायलों को फिलहाल जिला हॉस्पिटल धमतरी में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। बता दूं, धमतरी जिला में आए दिन चाकूबाजी की घटना लगातार हो रही है। वहीं पुलिस की बात करें तो पुलिस जो है हाथ से हाथ धरी बैठी है, लेकिन अभी तक से आरोपी फिलहाल तो पकड़ से बाहर है। लेकिन ये घटना लगातार जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रही। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।